हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, इस लेक्चर के अंदर हम पॉलिनॉमियल का इंट्रोडक्शन करेंगे। पॉलिनॉमियल्स की हर छोटी छोटी बात को सीखेंगे। पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं, उसके अंदर कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, डिग्री, ये सब क्या होता है, इन सब को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप गाइज आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं करा तो आप प्लीज़ नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक बातों का पढ़ते हैं, जैसे कि पॉलिनॉमियल्स में कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो इनको पहले स्टडी करते हैं। तो कॉन्स्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें पता होती है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो वो हमारा कॉन्स्टेंट है। जैसे जितने भी हमारे नंबर्स हो गए, 2, 3, 7, ठीक है, कोई इरेशनल नंबर उठा लो, √5 हो गया, कोई रेशनल नंबर उठा लो, -3/5 हो गया या 7/2 हो गया, ये सब क्या है, हमारे नंबर्स हैं। इन सब की वैल्यूज़ हमें पता है क्या होती है, और इनकी वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं हो सकती। जैसे 2 है तो 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 2 ही वैल्यू रहेगी उसकी, कभी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ऐसे डिजिट्स जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी और जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है, हमें पता होती है, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। अब आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है और जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती कि क्या होती है। जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, या कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। अब हमें नहीं पता कि एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही वाई की वैल्यू, इनकी वैल्यूज, जिनकी वैल्यूज हमें पता ना हो तो उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू, इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये चेंज हो सकती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, कुछ क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू 5 मिलेगी, कुछ क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 9 मिलेगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कभी चेंज होती रहेगी, कभी भी फिक्स्ड नहीं होगी, ठीक है, हर क्वेश्चन में। तो जिनकी वैल्यू चेंज होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास है जैसे कि एक्स माइनस का 2। अब इसमें वेरिएबल कौन सा, कांस्टेंट कौन सा, तो 2 हमारा कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू, और एक्स हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं एक और बताता हूँ आपको, ए प्लस 6, तो 6 हमारा कांस्टेंट हो गया और ए हमारा वेरिएबल हो गया। तो आई होप आपको कांस्टेंट और वेरिएबल में फ़र्क पता चल गया होगा। अब हम कोफिशिएंट के बारे में पढ़ते हैं। तो कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, ऐसा कोई नंबर जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा हो, ठीक है। कोई भी नंबर जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा हो, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे a प्लस 6 है, 6 यहाँ पे कांस्टेंट है और a हमारा क्या है, वेरिएबल। a के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैं a को कैसे लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय a, तो a के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में, 1, तो 1 हमारा क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ a क्या है हमारा, 1। तो जो भी वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई में होता है, उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे कि मैं बोलूं 2x प्लस 7, तो इसमें 7 तो कांस्टेंट नंबर है, x हमारा वेरिएबल है और 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट, और 2 हमारा क्या है, कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट है, 2 है हमारा, वो है x का, तो 2 हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अब आपको मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देता हूँ। जैसे कि मेरे पास है 7x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें सबसे पहले वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारा क्या है, x, ठीक है। वेरिएबल की बात करूँ तो वेरिएबल क्या है हमारा, x। उसके बाद कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट है हमारा 2, ये है हमारा कांस्टेंट। उसके बाद कॉफिशेंट क्या है, तो कॉफिशेंट हमारा यहाँ पे 7 भी है और कॉफिशेंट हमारा 3 भी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉफिशेंट ऑफ x², तो वो है 7। x² का कॉफिशेंट क्या है, 7, और कॉफिशेंट ऑफ x क्या है, 3, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉफिशेंट है, 7 भी और 3 भी, वेरिएबल x, एक x² का है और एक x का है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, हमारे एक्सपोनेंट और पावर क्या होते हैं, क्या मैंने बोला, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या फिर पावर,
कुछ भी बोलो, एक्सपोनेंट ऑफ पावर क्या होता है तो ये आपको पता ही होगा, जो एक्स के ऊपर ये नंबर होता है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, ठीक है, तो इन्हें मैं क्या बोलता हूँ, एक्सपोनेंट और पावर। अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल डिस्कस करते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। मतलब अगर मैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो उसको मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलूँगा। जैसे कि 3x² प्लस 2y प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल भी है, वेरिएबल कौन कौन से हमारे पास, यहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास एक्स और वाई, ठीक है। कांस्टेंट भी है आपके पास 6, और आपके पास कोफिशिएंट भी है, ठीक है। तो मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, 2x² प्लस 3, 1 प्लस एक्स, ये सब हमारे क्या हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल के क्या हैं, कॉम्बिनेशंस हैं। तो इन सबको मैं क्या बोलूँगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आई होप आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से किस तरीके से हटकर है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क है कि पॉलिनोमियल वही होगा, वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा जिसमें जो पावर है वो हमेशा होल नंबर के अंदर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ 2x² प्लस 3y प्लस 2, तो यू कैन सी डेट कि इसमें x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 1। तो इसमें जो पावर है वो किस में है, होल नंबर में। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड ऐसे सो ऑन चलते रहते हैं। अगर हमारी पावर जो है होल नंबर के अंदर है तो वो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर उसकी जो पावर है वो होल नंबर में नहीं आती, मतलब या तो वो नेगेटिव में आए या फिर रेशनल नंबर में आए, अगर इस टाइप में आती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि मैं लेता हूँ अपना 5√x + 2, तो इसमें क्या हुआ, 5x, x की पावर कितनी है 1/2 + 2। अब 1/2 एक होल नंबर नहीं है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है पूरा का पूरा, ठीक है, ये नहीं हुआ। ऐसे ही अगर मैं लेता हूँ 6/x⁴, तो आपको पता होगा कि जब ये ऊपर आता है तो पावर जो है रेसिप्रोकल हो जाती है, पावर जो है माइनस में चल जाती है। जैसे यहाँ पे पावर प्लस की 4 है तो ऊपर जाके यहाँ पे पावर माइनस की 4 हो जाएगी। अब आप जानते हो कि ये जो है एक होल नंबर नहीं है माइनस का 4, तो ये भी आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं 2x की क्यूब की बात करूँ तो 2x की क्यूब हमारा पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें क्या है, पावर होल नंबर में है। और कांस्टेंट, इसमें आप कहोगे कि आप कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट हमारा 0 हो गया, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2x³ + 0, तो कांस्टेंट भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया, ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया हमारा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 2x² + 3x + 2, ठीक है, या फिर ले लेता हूँ 2y² + 3y + 1। अब ये दोनों ही पॉलिनोमियल है क्योंकि दोनों की पावर्स जो हैं होल नंबर्स में है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है वो है x, ठीक है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, और इस वाले पॉलिनोमियल में भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है वो है y। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, px, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, py, पॉलिनोमियल ऑफ y वेरिएबल, ठीक है, मैं इस तरीके से लिखता हूँ। और ये दोनों क्या है मेरे पास, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। आप क्या लिख सकते हो, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। अब अगला, अब मैं लिखता हूँ 3x² + 2y + 7, ठीक है। अब इसमें क्या फ़र्क हुआ, इसमें दो वेरिएबल है
x भी है और y भी है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, p x कॉमा y, x भी और y भी है, दोनों ही हमारे वेरिएबल हैं। ये हमारा क्या हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल, ये है पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल। अब अगला मैं लिख देता हूँ 4x² प्लस 7y³, पावर तो आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3z, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, तीन वेरिएबल हो गए, x भी y भी z भी, तो आपको यहाँ पे क्या लिखोगे, x कॉमा y कॉमा z, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। तो ये हमारा क्या है, थ्री वेरिएबल्स वाला, ठीक है। तो नाइन्थ क्लास में तो आपको सिर्फ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल करना है, या तो पी एक्स वाला आएगा या तो पी वाई, सिर्फ वन ही वेरिएबल करना है। और टेंथ क्लास में आपको टू वेरिएबल्स करने हैं, एक्स वाला और वाई वाला, मतलब टेंथ क्लास के लिए ये है और नाइन्थ क्लास के लिए ये है, ठीक है। और ये जो तीनों वेरिएबल वाला है, एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला, ये आपको हायर स्टडीज 11th-12th में आपको दिखेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें हम पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करेंगे टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट जैसे कि मेरे पास है 3x², ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, यहाँ पे और कुछ तो नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3x² है, सिर्फ एक ही टर्म है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, मोनोमियल, मोनो मियल, मोनो मतलब वन। नेक्स्ट अगर मेरे पास लेट सपोज है 5x² प्लस 2, अब यहाँ पे मेरे पास एक दो, टोटल कितनी है, दो टर्म्स हैं, तो दो टर्म्स के लिए मैं क्या लगाऊंगा, बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। अब जैसे कि मैं ले लेता हूँ 3y² प्लस 2x प्लस 1, अब यहाँ पे मेरे को टर्म्स गिननी है बस, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। अब नेक्स्ट है कि अगर इससे भी ज़्यादा टर्म्स आ जाए तो क्या होगा, तो आप उसको सिर्फ पॉलिनोमियल ही बोलोगे। जैसे कि मैं बोल देता हूँ मेरे पास है एक 3y³ प्लस 2xy प्लस z प्लस 3x, मान लो ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल चार टर्म्स है, तो आप इसको जस्ट पॉलिनोमियल ही बोलोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आती है, मान लो मेरे पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर मान लो, जैसे मैंने मान लिया 4, ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है। अब आप कहोगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, बट एक्चुअली ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आप इसको क्या बोलोगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका नाम क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आप ये कहोगे कि इसके अंदर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसमें वेरिएबल बना सकते हो। कैसे, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 4 को 4x⁻⁰, ठीक है। अब आप जानते हो कि x की पावर 0 कितनी होती है, 1, या कोई भी एक वेरिएबल की पावर अगर आप 0 कर दो तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, चाहे y की पावर 0 कर दो तो भी 1 आएगी, कुछ भी कर दो, ठीक है। तो मैं इसको 4 को 4x⁻⁰ लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया, ठीक है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल बन गया, तो इसे क्या बोलूँगा मैं, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। अब अगली चीज, अगर मैं कहूँ 0 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप क्या कहोगे, सोचो 0 पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, तो 0 एक पॉलिनोमियल है, ये मेरा आंसर है, इसको मैं क्या बोलूँगा, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब 0 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0x⁻⁶, मतलब 0x⁻⁶, आंसर तो मेरा 0 ही आएगा, मैं 0x⁻² कर सकता हूँ, 0x⁴ कर सकता हूँ, ठीक है, या 7 कर सकता हूँ, कुछ भी मान लो। तो ये सब हमारे क्या हो गए, पॉलिनोमियल्स हो गए, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है, तो 0 को क्या मैं बोलूँगा, 0 पॉलिनोमियल। तो ये हमने क्या क्या डिस्कस करा, टर्म्स के वाइज, मोनोमियल जिसके अंदर एक हो, बाइनोमियल जिसके अंदर दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म होगी हमारे पास, पॉलिनोमियल जिसके अंदर तीन से ज़्यादा टर्म्स हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे।
ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होगा जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक नंबर हो गया, तो वो बेसिकली एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से वेरिएबल डाल सकता हूँ, और जीरो को मैं जीरो पॉलिनोमियल कहूँगा। अब मैं पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, ठीक है। तो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर होती है ना, उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा है 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो डिग्री इसकी क्या होगी, यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। डिग्री का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होगी। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3, ठीक है। और एग्जांपल देखो, जैसे कि मेरे पास 7x की पावर 5 प्लस 9x की पावर 8 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 8 होगी। हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो होगा पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 8 है। मैं अगर बात करूँ कोई कांस्टेंट नंबर की, 7, ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर है, क्या इसकी कोई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, यस, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ, 7 × x की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0, ठीक है। तो ये हमने समझा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम उसकी डिग्री बोलेंगे। अब हम इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस के ऊपर भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं, हमारा है 3x, ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है, x, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, ठीक है। जैसे आप और इसको बढ़ा दो, 3x + 2 कर लो, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x की, 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, 1, और इसको मैं क्या बोलूँगा, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 6x² + 3x + 8, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर x क्या है, 2, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है, पॉलिनोमियल की, 2, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा, जैसे मैं बोलूँ 7x³ + 2x² + 8x + 2, तो इसमें जो पावर हो गई वो कितनी हो गई, हाईएस्ट 3, हाईएस्ट पावर 3 है, और इसका नाम क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों होगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या हुआ है, 3, तो जहाँ हाईएस्ट पावर 3 मिले आपको वेरिएबल की, वो है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर आपको हाईएस्ट पावर 4 मिलती है, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट आप क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही कर लो तो सही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही आते हैं। मैं लिख देता हूँ फोर्थ वन भी, जैसे मैं बोलूँ 9x⁴ + 3x⁴, ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, सिर्फ हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, टर्म्स नहीं देखनी है, हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी है, इसका नाम हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को पढ़ा, ठीक है, और आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी अच्छे से समझ गए हैं। अब एक चीज़ और, अगर मैं आपको बोलूँ 23, ठीक है, तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल की कोई पावर नहीं है, तो इसमें आप कह सकते हो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 0, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका कॉन्स्टेंट, ठीक है, जैसे हमने अभी नाम करे ना ऊपर, अगर पावर 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक, अगर पावर 3 है, अगर हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे ही अगर कोई ऐसे अगर डिग्री हमारी 0 होगी तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा इसमें कि अगर लेट सपोज मेरे पास 0 हो, ठीक है, तो आप क्या इसकी डिग्री बता सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है, ये तो हमें पता है, क्योंकि मैं 0 के साथ एक वेरिएबल लगा सकता हूँ, 0 के साथ x की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ,
जीरो के साथ, ये भी हो गया, या जीरो की मल्टीप्लाई एक्स की पावर वन से भी कर दूँ, या फिर जीरो की मल्टीप्लाई एक्स की पावर टू से भी कर दूँ। तो मैं जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएबल के साथ कर सकता हूँ और उसकी कुछ भी पावर हो सकती है, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर फोर, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जीरो की डिग्री होगी वो हमारी अनडिफाइंड होगी, अनडिफाइंड होगी इसकी डिग्री। क्यों होगी? क्योंकि इसकी पावर जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, कुछ भी इसकी पावर हो सकती है, ठीक है। आप इसकी कोई पर्टिकुलर पावर नहीं बता सकते वेरिएबल की। तो ये हमने पॉलिनॉमियल अच्छे से डिस्कस कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स में हमने करा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, और डिग्री पे हमने करा लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है, और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने पॉलिनॉमियल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने जानी। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा और आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ नीचे लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक्स गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।